मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुरबे विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना कैंप ने एक कार्यक्रम के दौरान बयानबाजी के चलते पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल दोनों समूहों के बीच पार्टी के नियंत्रण और चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर जंग जारी है। मामला भारत निर्वाचन आयोग तक पहुँच गया है। खबर है कि 14 अगस्त को मुंबई के मगथाने इलाके में कार्यक्रम के दौरान सुरबे ने कहा है कि अगर कोई हमारे साथ लड़ेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो उन्हें जवाब दो। उन्होंने कहा, किसी की दादागिरी सहन नहीं की जाएगी, आप उन पर मारो। उन्होंने कहा, मैं प्रकाश सुरबे आपके लिए यहाँ हूँ। विधायक ने कहा, अगर आप उनके हाथ नहीं तोड़ सकते तो उनके पैर तोड़ दो, मैं अगले दिन आपकी जमानत करवाऊंगा, चिंता मत करना। उन्होंने ये भी कहा, हम किसी से नहीं झगड़ते, लेकिन अगर कोई हमसे लड़ेगा तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। दहिसर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। हिंदी में लड़ेगा आला अंगावर ठेव चिंगावर। आज पंचायतली वाक्य बोलते, आम्ही कुणाच्या पायाला पाय लावणार नाही। आमची संस्कृती आम्हाला शिकवलेला आहे, सर्वांचा सन्मान करा। आम्ही कुणाच्या पायाला पाय आम्ही लावणार नाही। एकदा लावलात तरी आम्ही उर्वाजा सोडून दे। दुसऱ्यांदा समजवून येऊ नकोस, तिसऱ्यांदा आला तर ठोकल्याशिवाय सोडणार नाही। माझा शब्द आहे आणि मीडियामध्ये पण जा, माझ्या पैसेच करा, आम्ही घाबरत नाही। जून में हुई बगावत के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। इसके बाद राज्य में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जबकि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में शिंदे सरकार में कैबिनेट विस्तार हुआ है। वहीं बीते दिन शनिवार को मंत्रियों को विभाग भी आवंटित किए गए हैं। आखिरकार विधायक जी का यह धमकी भरा वायरल वीडियो लोगों के लिए कौन सा संकेत दे रहा है? ऐसे विधायक को उनके पद से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि शिंदे गुट के विधायकों की यह दादागिरी आखिरकार जनता के बीच क्या साबित करना चाहता है? फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज डेस्क के साथ जे न्यूज 24 की रिपोर्ट।